गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मौसम को देखते हुए हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह, बहुत दिन से प्लान था वहाँ जाने का। तो कहाँ जा रहे हैं अभी आपको वीडियो में बताते हैं, और चलो चलते हैं और आपको राइड का भी मजा देते हैं। चुके हैं घर से और नाथद्वारा जा रहे हैं आज हम। आपको सरप्राइज सा तो रिवील ही हो गया, वैसे भी थंबनेल से पता चल ही जाएगा। तो हमने जो रोड लिया है वो भीम होके लिया है, अभी थोड़ा बहुत ऐसे कच्चा आएगा सिंगल रोड, उसके बाद ही प्रॉपर हाईवे आएगा। तो चलो चलते हैं फटाफट और वहाँ जाके देते हैं नाथद्वारा में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं स्पेशल का। बाबू भी छोड़ा है। अभी अपन रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए लघु शंकर के लिए, और देखो अब गाड़ी कौन चलाएगा। आप चलाओगे गाड़ी? आप चलाओगे क्या? अभी अपन रुके हैं भीम से थोड़ा सा आगे, या भीम बस स्टैंड मान लो आप, भीम बस स्टैंड। और यहाँ पे लेने जा रहे हैं तो कुछ सुबह का नाश्ता करके फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। तो दाल पकवान और ये सब दिख रहे हैं, अभी लेके आते हैं। गाइस अभी हम क्या रास्ते से जा ही रहे थे और सडनली हमें एक जगह देखी, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज देखी हमने, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो देखने के लिए हो जाओ एकदम तैयार। तो ये देखो, ये एक पाल टाइप बनी हुई है और इसके अंदर जो आप वो सामने देख रहे हो ना, ये सारे कमल है यार। ये देखो अभी वहाँ पास जाके आपको दिखाते हैं। तो देखो ऐसा लगता जा रहा है कि हम जंगल के अंदर जाए जा रहे हैं। और रोड देखो यार, आपको लगेगा ही नहीं राजस्थान का पार्ट है। और अपने पास में ही है बिल्कुल, यहाँ पे डाबर से थोड़ा सा आगे, और ऐसा लग रहा है जैसे अपन कोई अभयारण्य में आए हुए हैं और अंदर जाए जा रहे हैं। जंगल सफारी हो रही है और देखो सामने अभी बस उस जंगल भरे इलाके से हम आ गए हैं बाहर। थोड़ा बहुत तो चल रहा है अभी भी, लेकिन आ ही गए फिर भी बाहर। खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर। तो जी अभी आ गए फाइनली अपने लोकेशन पे नाथद्वारा में, जो अपने शिव जी का स्टैचू बना हुआ है पीछे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। और ये अपन अभी पार्किंग में, पार्किंग दिखाता हूँ, पार्किंग बहुत अच्छी लगी यार मुझे एकदम स्पेस वाली। देखो जैसे कोई एयरपोर्ट की पार्किंग हो ना, हरियाली अपनी गाड़ी। और यहाँ से अभी टिकट काउंटर है, टिकट लेंगे, टिकट काउंटर ही देखो कितना बड़ा है। और एक्टिविटीज़ भी अभी देखा नहीं अपन ने अंदर जाके, एक्टिविटी भी है वहाँ पे। मैंने ना रेसिंग कार वगैरह का भी सेटअप देखा था, वहाँ पे चलते हैं अंदर, चलते हैं पहले फिर बाकी का और देते हैं आपको टूर। चलो फटाफट से चलते हैं अंदर। वो शाम को होता है क्या यहाँ पे? रनिंग में चलता है, इसमें भी तो है एयर जो, इसमें नहीं आएगा। इसमें दोनों में से एक चीज आई है, या तो स्ट्रेच में जाना है, 3D पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो, 3D बैकग्राउंड बना होता है। अच्छा, एयर जो का शो होता है उसमें क्या कौन कौन से पिक्चर्स है? 13 थीम वाली बनी हुई।
आपके तीन टिकट है, एक आपका इनवॉइस रहता बिल, ठीक है, और ये 300 रुपए आपके चेंज हो गए, और ये तीन आपके बैंड से आपको हाथ पे बांधते हैं, वन टाइम एंट्री रहेगा स्टैचू के लिए और पार्क के लिए भी, सीडब्ल्यू के लिए, ठीक है, उसके बाद नीचे वो ठीक जो बैंड मिले थे ना वो अभी हाथ में पहन रहे हम सब। और एक चीज और पहन ली हमने, देखो देखो टिकट काउंटर वहाँ था, टिकट काउंटर से अभी हम आ गए नीचे, और ये जो एरिया है यहाँ से उस फर्स्ट नंबर गेट पे जाना है, एंट्री लिखा हुआ है ना वहाँ पे, वहाँ से फिर हमको अब 1 बजे से यहाँ पे आप आए हो ना, और अगर आपने टिकट लिया है पूरा तो 1 बजे से पहले पहले आप है ना स्टैचू के अंदर एंट्री कर लो, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये देखिए बाहर भी बने हुए हैं, यहाँ के बाद में फोटो क्लिक करेंगे। हाँ ये देखो शिव जी की त्रिनेत्र, तो ये एंट्री है, एंट्री पे अभी चेक होता है और टिकट वगैरह देखेंगे भी स्कैन करेंगे, उसके बाद एंट्री मिलेगी हमारे को। बाबू कह रहा जल्दी लेके चल, अंदर बिठा दिया मुझे है बाबू, ठीक हो? हाँ आ जाओ भाई। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से स्कैन होते हैं QR कोड। किधर चलना है, किधर जाना है? सीधा जाना है। हाँ भैया ड्रॉप कर दोगे क्या इनको? ट्रेन भी है बच्चों की, और ये भी बगी हमारी। ये देखो पूरा यहाँ पे कारपेट लगी हुई है ताकि आपके पैरों को आराम मिले। हुई थी वेलकम फोटो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमारी वेलकम फोटो हुई थी, ये पीछे ग्रीन पर्दा है। अब यहाँ पे क्या इन्होंने पीछे प्लेस करा है वो अपन फोटो पे ही पता चलेगा बाद में। और ये देखो ये ऑडिटोरियम पूरा, तो उन्होंने एक स्लिप दी है, अगर पसंद आए तो अपन बाय कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है और ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह भी नहीं करा अभी तक। और देखो लॉन्च वगैरह आराम से बैठने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो जो पैसे लगे हैं ना अपने टिकट के वो पूरे वर्थ हैं यार, अगर यहाँ आप आराम से बैठो ना, आराम से आप टाइम लेकर आओ तो ही मज़ा आता है यहाँ पे। कैसा लग रहा है अभी तक? तो पैसे जो अपन ने टिकट के दिए वसूल हुए कि नहीं हुए? ये जो लाइन और बैरियर देख रहे हो ना ये नंबर वाइज है, उसके बाद अपन लिफ्ट में जाएंगे और वहाँ ऊपर तक जो शिव जी के शोल्डर है वहाँ तक जाएंगे। तो ये देखो प्रॉपर एकदम मार्किंग और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए करा सब चीज़ें, और ये पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी है, आपको एसी वाला हॉल है, कोई भी आपको गर्मी वगैरह का परेशानी नहीं मिलेगी। तो जी अपना नंबर आ गया और वहाँ से अपन जा रहे हैं अब आगे की तरफ लिफ्ट की तरफ, जो लिफ्ट है लेके जाएगी अपने विश्वास स्वरूपम जो भोलेनाथ जी है उनके वहाँ पे, ये लिफ्ट। तो हम आ गए हैं अभी शिव जी के राइट शोल्डर पे, जिस तरफ शेषनाग होता है देखो, और हर जगह आपको गाइड मिलते हैं प्रॉपर। ये देखो यार कितना ऊपर आ गए हम, और पता भी नहीं चला लिफ्ट से 2 सेकंड में। वहाँ थे अभी नीचे, कान के कुंडल के नीचे अपन खड़े, ये राइट में वास्तु के नाग बने हुए सब जगह। हाँ ये नाग बने हुए देखो, राइट शोल्डर है कान के कुंडल के नीचे, इधर राइट में वास्तु के नाग बने हुए, यहाँ सब अरावली देख सकते हैं। कुंडल चलो
हाँ ये शिना जी हाँ वो जो शेड लगा हुआ है ना अपन वहाँ लाइन लगाते दिखा पहले जूम करके दिखा दे अब जाने वाले हैं ग्लास ब्रिज के ऊपर ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है यार ये अपने वीडियोस में देखा था इससे पहले अभी तक देखो पैर रख के देखो ये देखो एक ग्लास में एक ही रिकमेंड कर रहा है सबने देखो अपन लेफ्ट शोल्डर पे है अभी भाई भाई खत्म बाय बाय टाटा।